एक बार फिर से आप सभी का गुलिस्तान न्यूज में खैर मकदम करते हैं। मैं मूसा तुमेली। तीन रोजा जंस्कार विंटर स्पोर्ट टूरिज्म फेस्टिवल एक आला दर्जे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर इसी पुंचोक्ताशी जिन्होंने मेहमान खसूसी के तौर पर खिदमत अंजाम दिया और साथ ही साथ डीसी कारगिल श्रीकांत बाला साहेब सूसे मेहमान खसूसी थे और दीगर मौजूद मेहमानों बशमूल SDM जांस्कार और तहसीलदार जांस्कार के साथ साथ आला अहदेदारान भी शामिल थे। मौके पर मरकजी मुकाबलों में सनसनी खेज आइस हॉकी मैच और आइस रेस और आर्चरी शामिल थे, जहां शुरका ने जमे हुए जमीन पर अपनी सलाहतों और अजम का मुजाहरा किया। इवेंट का अख्तिताम एक बरवकार तकरीब तकसीम के इनामात के साथ हुआ, जिसमें आइस हॉकी और आइस रेसिंग और आर्चरी के मुकाबलों में शुरका के शानदार कामयाबों को तस्लीम किया गया। पेश है गुलिस्तान न्यूज की ये खुसूसी रिपोर्ट। बस्तर विंटर सैलियां हरियाणा दल के बस्ते में जिंदी जगह के रखते हैं। सर LHDC कारगिल इंजीनियर पुंचोक ताशी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डेप्यूटी कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लदाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल श्रीकांत बाला साहेब सूसे IAS SDM जांस्कर श्री डेप्यूटी कमिश्नर श्रीकांत बाला सूसे। अभी तक ये तीसरा दिन है और अभी तक हमारा जो जांस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो बहुत अच्छी तरह से चला है। पहले दिन हमारे CEC सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने मीटिंग्स ली, उन्होंने सब डिवीजन का रिव्यू किया, उसके बाद सारी ग्रीवेंसेस सुनी। उसके अगले दिन उन्होंने पहले दिन इनॉग्रेशन किया हमारे जांस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल का। उसके बाद यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स हुए जो कि सभी को बहुत पसंद आए। फिर हम एक छोटा सा हमारा एग्जीबिशन का हॉकी मैच हुआ था, आइस हॉकी मैच, जिसमें से ECC सर और ECC सर दोनों। दूसरे दिन हमारा कारशा में था, जिसमें हमारा पहले मॉन्क्स ने मेडिटेशन किया, छोटे बच्चों ने योगा दिखाया अपना, और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए हमारे चौकसपा की तरफ से और दूसरी सभी हमारी एसोसिएशन और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके बाद हमने कल आर्चरी का एक मैच था, उसका इनॉग्रेशन किया, ECC सर के हाथों से उसका इनॉग्रेशन हुआ। सुबह के टाइम हम शीला में आइस क्लाइंबिंग का हमारा इवेंट हुआ, जहाँ पर हमारे कुंभ खान के ब्रिगेडियर सर ने भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स को देखा। जो भी अभी तक का तीन दिन का हमारा ये प्रोग्राम हुआ है जांस्कार विंटर स्पोर्ट, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे लोकल लोग हैं, उन्होंने कैसे स्पोर्ट्स को अपनी वे ऑफ लाइफ में इंटीग्रेट कर रखा है। हम कभी कभी पहचान ही नहीं पाते कि ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो इसलिए इतनी अच्छी तरह से आइस पे चलते हैं या इनको पहले से ही बर्थ से इनको आता है। वर्थी डिप्टी कमिश्नर ऑब्लिक CEO LHDC कारगिल श्री श्रीकांत बाला साहेब सूसे आज हवा स्वेदन दा इनोगले तेने कोंगुनी मता पाक पो तुर्किया स्पोर्ट ते तिरंगे आइस हॉकी मैच ए गोजुक स्टेमडल बो चुआ दा चे दिनोगले इनाज न्या बो संगमे चगदा मा गांशन साले जाले आइस हॉकी साले बमोने बालले जैसी नीचे पल्ला पाप पहुंचे गोल से
जंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल का आज लास्ट डे था और उसके कल्मिनेशन इवेंट पे मैं मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा कि विंटर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो लद्दाख की अपनी एक पहचान है और ख़ासतौर से जंस्कार की बात काफ़ी टैलेंट है, तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि उनके टैलेंट को कैसे हम आगे ले जाएं, कैसे उनको अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, कोचिंग प्रोवाइड करें। तो आज हमें देखने को मिला कि छोटे से बच्चे, हमारी बच्चियाँ भी स्केटिंग की बात करो, आइस हॉकी की बात करो, हर चीज़ में आगे, और हमारा कोशिश यही रहेगा कि आगे भी इसको ले जाएगा और अगले साल और भी अच्छा ये फेस्टिवल को करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी एक दो महीने जैसे पहले संस्कार में एक इंसिडेंट हुआ था, सर छोटी सी लड़की, तो हमारे संस्कार के लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम जो है सर कब तक आएंगे और किस तरह होगा। जैसे आप सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल उसमें अपना काम कर रही है और जो रिज़ल्ट आने के लिए हम भी फॉलोअप डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ करें, हमारी कोशिश यही रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो हमारे SSP साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जल्दी से जल्दी वो उसका जो रिपोर्ट है वो हम सबमिट करने की और जो भी रिजल्ट की टेस्ट रिजल्ट है उसको लाने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज सेकंड एडिशन जांस्कर विंटर सपोर्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल आज यहाँ पे कंक्लूड हुआ जांस्कर के मुनकी छुमिक में।
तो यहाँ पे आइस हॉकी का मैच बॉयज़ गर्ल्स और बाकी नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी उनका बड़ा अच्छी तरह से मुजाहरा किया। विंटर एक्टिविटीज़ काफ़ी इन दो तीन दिनों में जो है ना वो प्रमोट करने का ये मौका मिला है, जिसमें आइस क्लाइंबिंग था, स्नो स्की था, आइस हॉकी था, स्नो पे योगा और मेडिटेशन भी कल वहाँ पे कर्षा गुनपा के लामाओं ने किया। तो मुझे लगता है कि ये जो ना लद्दाख में अपने आप में एक हैसियत है कि झांस्कर का ये विंटर टाइम जो है यहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ पड़ते हैं। इस वक्त आप देख लीजिए कि पूरा झांस्कर बर्फ़ से ये कवर्ड है, पूरा वाइट है और टेम्परेचर भी रात को -15 से -20 तक जाता है। तो एक बहुत उम्दा सा फिजिबल और वायबल टाइम जो है ना वो झांस्कर में विंटर स्पोर्ट को प्रमोट करने का है। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि झांस्कर पूरे दुनिया में जो ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि विंटर में भी यहाँ पर टूरिज़म का फ्लो हो। इस वक्त भी पदम से मनाली का रोड खुला हुआ है, पदम से लेह का रोड भी खुला हुआ है, पदम से कारगिल का रोड भी खुला हुआ है और तीनों जगह जो है ना इक्वी डिस्टेंस पर है। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ये प्रमोशन जो है ना हमें टूरिज़्म का बहुत फ़ायदा देंगे, उस जिससे लोगों की जो है ना आमदनी में बढ़ावा मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि आज जो है ना हमारे कंक्लूडिंग सेरेमनी पे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे और ये फेस्टिवल जो है ना तीन दिन पहले हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब के हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। हम चाहते थे कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ पर आते और हमारे सपोर्ट सेक्रेटरी रविंद्र कुमार साहब भी आते, लेकिन आ नहीं पाए थे। आप लोगों के माध्यम से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इवन ऑनरेबल MP साहब को भी, कि उनकी कोशिशों की वजह से ये फेस्टिवल झांस्कर में कुछ खास जो है ना झांस्कर में ही इनको शुरू किया था तीन साल पहले। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहले भी मैंने बताया था कि स्नो स्की स्लोप को डेवलप करने के लिए हमने आतिंग से लेकर अक्षो तक के वो बेल्ट हमने चुना है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। साथ साथ में इंडोर स्टेडियम झांस्कर में जो है 6 करोड़ की लागत से जो है ना वो DPR तैयार हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आने वाला है। और यही आइस हॉकी रिंग जो 3 साल पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक से बनाया था, इसमें भी जो जिस किस्म की और अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LAGC करगिल उसको करने के लिए आज हमने लोगों को एश्योर किया।